शादी हो गई है, रस्म रिवाज शुरू हो गई, एंट्री हो गई है आपकी, सबसे पहली जो रस्म है उसके बारे में क्या कहेंगे? जो सीन हुआ खिचड़ी के बाद वाली, खिचड़ी के बाद जो पहली रस्म थी वो गृह प्रवेश की थी, सॉरी, जिसमें अब जो दूल्हा दुल्हन होते हैं वो अंदर एंटर कर रहे हैं, बट उसमें इस बार एक और तीसरा इंसान था जो कि मेरा बेटा परम है, वो भी हमारे साथ आया था। और वो कैसे ढोल बाजे के साथ मेहर को अंदर लेके जाता है, और फिर उससे पहले एक रस्म होती है जिसमें जो सास होती है उसको मनाना होता है, और जो डॉली मासी थी उनको मैंने मनाया, वो रूठ के जाती हैं, फिर उनको बुलाना होता है, फिर उसके बाद परम ने भी उनको बुलाया, मेहर नहीं बुला पाई। और फिर उसके बाद जब हम गृह प्रवेश के बाद एक रस्म होती है गाने की, जिसमें गांठ को खोलना होता है जो कि भाभी बांधती है ग्रूम के हाथ में, और उसको ब्राइड को खोलना होता है, तो कुछ बहुत सारी गांठें होती हैं, बहुत टाइट बनती हैं, और उसको बहुत कोशिश होती है, तो वो वाली अगर वो खोल लें तो फिर वो जीत जाती हैं, उनको कुछ शगन मिलता है उसका। और फिर उसके बाद एक रिंग वाली होती है जो कि आपने देखा, रिंग्स की एक सेरेमनी हो रही थी जिसमें रिंग्स को ढूंढना होता है पानी के अंदर, परात में पानी और दूध डाल के, तो वो वाली एक सेरेमनी थी, उसमें मेहर जी दोनों ने बहुत कोशिश की लेकिन जीत मेहर की हुई है, और वजह आप जानते हैं? जी हाँ, वजह तो आप भी जानते हैं, वजह एक ही था, वो जो उनका एक स्पेशल वेपन है परम, परम की वजह से वो जीत गई। तो अभी से ही रुझाव परम का मेहर की तरफ इतना ज़्यादा है कि उन्होंने पूरा साइडलाइन कर दिया है, तो ये अच्छी ही बात है इन वे, कह सकते हैं आपके लिए परम, बिकॉज उनमें परम को अपना दोस्त दिखाई देता है एक माँ के रूप में, जो कि परम को हमेशा चाहिए थी, और फाइनली वो उनको मिल गई, इसलिए वो बहुत खुश है, और वो पूरी कोशिश कर रहा है कि हर चीज़ में वो मेहर का साथ दे। ओके, चलिए शादी तो हो गई, एक तो आप लोग हो गए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़े से फासले हैं दरमियान, तो क्या लगता है कि परम वो कड़ी बनेगा जो आप लोगों के फासले दूर करते बीच में? आई होप सो, ऐसा हो, बट आई डोंट नो हाउ द स्टोरी विल डेवलप, बट जैसे डेवलप होगी उस हिसाब से ही आई थिंक आगे सारी प्रोसीडिंग्स होगी। ओके, लास्टली कितना एंजॉय कर रहे हैं सारी रस्में जो पूरे? इट्स अमेजिंग, मैंने तो खुद, मेरी तो शादी हो चुकी है, सो ये सेम चीज़ें हुई थी और वो दोबारा से हो रही हैं, पर एक बहुत फ़नी इंसिडेंट हुआ था, मैं बताता हूँ आपको, कि जब हमारी शादी हो रही थी तो वो जो शादी वाला सीक्वेंस था उसमें जो पार्टी आए थे वो रियल थे, जो ग्रंथी होते हैं ना, तो वो पूरी रस्में ना असली में पढ़ने लग गए थे, उनको किसी ने बोला नहीं, तो सारे लामा, तो मैंने उनको जाकर बोला, मैंने कहा भाई साहब प्लीज़ आप ना ये रियल वाली लामा मत पढ़ो, थोड़ा बीच में चेंज कर दो, नहीं तो शादी असली में हो जाएगी। चलिए, थैंक यू, थैंक यू सो मच। उनका बाहर तो काफ़ी टाइम से छूट रहा है, पिछले कई हफ्तों में आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं। यूजुअली एज एन एक्टर यू नो, आप जब किरदार प्ले कर रहे होते हो तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में झांक के देखते हो, शायद उस इमोशन को ढूंढने की कोशिश करते हो, बट आई थिंक मेहर की कहानी ऐसी है कि टचवुड आई ऑलवेज प्रे एंड होप कि ऐसा ही कभी किसी को एक्सपीरियंस ना करना पड़े टू बिगिन विद। आई थिंक मैंने बहुत ही खूबसूरती से इस कैरेक्टर को जिया है और हर इमोशन को बहुत ही शिद्दत और बहुत ऑनेस्टी से जिया है, चाहे वो मानव का लॉस हो मेरी लाइफ में, चाहे वो ये रियलाइजेशन होना हो कि फाइनली मेरी लाइफ में यू नो मानव के साथ मेरा एक बच्चा होने वाला है। मानव को इतना प्यार करती थी, इतने सालों से ज़िंदगी सिर्फ उसके साथ बिताने के बारे में सोचा था, एंड देन टू फाइनली थिंक कि अब मेरी लाइफ में एक उससे भी बढ़कर इंसान है जो है मेरा बच्चा, तो आप सोच सकते हो कि अगर मैं मानव को कितना प्यार करती थी तो मैं अपने बच्चे को कितना प्यार करती हूँ। यू नो इस पूरी इमोशनल जर्नी में कहीं ना कहीं टू एक्सेप्ट ऑल्सो द फैक्ट कि आपकी मॉम हैं जिन्होंने आपके साथ इतना ज़्यादा टॉर्चर करा है, और यू नो कई जगह सोशल मीडिया पे भी लिखा जा रहा था कि मेहर चुप क्यों है, मेहर चुप क्यों है, और हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि कई बार आपकी साइलेंस में ही आपकी स्ट्रेंथ होती है। तो आज जब इस घर से निकल रही हूँ, ऑफकोर्स बहुत सारी मेमोरीज़ लेकर निकल रही हूँ, अपने यू नो बचपन को अपनी आंखों के सामने गुजरता हुआ बीतते हुए देखते जा रही हूँ, उसी मोमेंट में इसी घर में मानव की डेथ हुई थी वो भी देखते हुए जा रही हूँ, और ये एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन है, ये एक सोल्यूशन था मुझे अपने बच्चे को बचाने के लिए, और अब जब मैं उस घर में जाऊँगी तो मुझे लगता है कि मेहर का एक अलग ही रूप दिखेगा, एक अलग ही स्ट्रेंथ दिखेगी उसमें। ऑफकोर्स परम बहुत ही प्यारा बच्चा है, और आज शायद अगर शादी के लिए कहीं ना कहीं राज़ी हूँ तो वो बस दो बच्चों के लिए है, एक अपने बच्चे के लिए और एक परम के लिए। तो परम काफ़ी क्यूट सी एक हरकत करते हैं यहाँ पे, जब बोला जाता है कि सरबजीत और मेहर को एक दूसरे को खिलाना है जी, तो सरबजीत खिला देते हैं, मेहर थोड़ा हिचकती हैं तो परम खा लेते हैं मेहर के हाथ से, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में?
आई थिंक एक बच्चे की जो ब्यूटी होती है वो उसकी इनोसेंस में ही होती है. एंड आई थिंक परम एक बहुत ही इनोसेंट बच्चा है, बहुत दिल से है. तो जब कोई दिल से करी चीज़ हो, यू नो, चाहे वो ऑन स्क्रीन हो, ऑफ स्क्रीन हो, वो हमेशा को छू जाती है. एंड आई थिंक तभी आज की डेट में, यू नो, सबको परम से प्यार है. मुझे परम से प्यार है डिस्पाइट द फैक्ट कि मुझे ये शादी नहीं करनी, बट कहीं ना कहीं उस बच्चे के लिए मेरे दिल में प्यार है और रहेगा और वो बस बढ़ेगा. थैंक यू सो मच. जी हाँ, सब कुछ अच्छे से हो गया. रिंग्स भी एक अच्छे से एक्सचेंज हो गई और सबकी ब्लेसिंग्स भी मिल गई. एंड इवन मेहर वॉज हैप्पी, सो एवरीथिंग वॉज कंटेंट. आई लव माई आउटफिट, यू नो. आई एम ऑल्सो गेटिंग अ वेरी गुड फीडबैक्स. फ्यू पिक्चर्स जो कि मैंने अभी तक पोस्ट किए इंस्टा में, उन पर लोगों ने काफ़ी अच्छे फीडबैक्स दिए हैं इसमें. That this hot pink suits me a lot. I don't know how are your reactions, but yeah, I think this is actually suiting me a lot. Okay, so मतलब सगाई में काफी भांगड़े वगैरह नाच गाने भी हुए हैं, तो कैसे लगा? मतलब पंजाबी शादी कुछ यादें वादे ताज़े हुई हैं? Well, जैसा आपने कहा पंजाबी शादी है, तो उसमें डांस तो is the, you know, बैकबोन ऑफ पंजाबी शादी. सो ऐसे ही इसमें हुआ. मतलब मैं तो अब मेहर के घर पे आके मैंने इतना डांस कर दिया. आई डोंट नो अब आगे के फंक्शन जो मेहंदी और संगीत और शादी होगी उस पर क्या करने वाला हूँ मैं. परम के पापा तो बहुत खुश हैं, बट परम भी बहुत खुश हैं कि उसकी मम्मियों से मिलके कविता वगैरह भी सुनाई है परम. या ऑफ कोर्स, यू नो, बिकॉज़ ये सारा कुछ शुरू परम से ही हुआ था एंड इट वाज हिज डिसीजन. उसकी चॉइस थी, जो कि बाद में मेरी भी चॉइस बनी कि ही वॉन्टेड मेहर एज हिज मदर. तो वो सब कुछ हो रहा है एंड आई होप सब कुछ आगे अच्छा ही हो. जी हाँ, वो ऐसा कुछ है, बट आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज दैट थिंग कि वो कैसे होती है. बट हाँ, हमारा एक दोनों का डांस है विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डांस और एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग है जिस पे हम डांस कर रहे हैं. पंजाबी ऑथेंटिक सॉन्ग है, तो आप जब लोग देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा बिकॉज इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक मी एंड मेहरा डांसिंग टुगेदर. इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग. जी हाँ, क्वेश्चन मार्क. क्या थैंक यू सो मच. यू नो, आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल. आई एम फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड टू ऑल माई फैंस, आर व्यूअर्स एंड ऑफकोर्स टू यू गाइज ऑल्सो, यू नो, वो आर प्रमोटिंग आर शो रियली वेल. तो इट्स ऑल आर टीम एफर्ट वट एवर इज हैपनिंग एंड आई थिंक इट्स द ऑडियंस लव एंड अफेक्शन जो कि वो इतना दे रहे हैं, हमारी स्टोरी को इतना पसंद कर रहे हैं. एंड ऑल्सो द स्टोरी इट सेल्फ, यू नो, फॉर द फर्स्ट टाइम इवन माई मॉम सेड फॉर द फर्स्ट टाइम शी नॉर्मली डजेंट, यू नो, वो एनालाइज नहीं कर पाती हैं कि स्टोरी अच्छी है बिकॉज मेरा शो है तो वो देखती देखती हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम शी ऑल्सो सेड कि भाई इसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है. तो यू नो, और फैंस को ये अच्छी लग रही है, वही हमारा एक मोटिव है कि हम जितना ज़्यादा उनको एंटरटेन कर पाएँ उतना हम करेंगे और वो जितना ज़्यादा हमें प्यार दे पाएँ वो उतना दे रहे हैं और मैं आशा करता हूँ वो आगे भी उतना ही ज़्यादा प्यार दें हमें. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. आई विल डू इट. आप पहले ले लो, शूज मत लेना, गंदे हैं बहुत. ऐसे पहन कर ले. So, sorry. करूँ? Okay. So I'm wearing this hot pink sherwani, जो कि हमारे stylist जो हैं अनिरबान जी, उनका style है. It's he's given a very beautiful cut from here, and because ये जो कुर्ता है, इस कुर्ते के नीचे जो pleats हैं, ये pleats visible होनी चाहिए, because ये style है इसका. It's very authentic also, and it has that modern touch. ये जो western touch है, वो ये pleats का है. बाकी जो authenticity है वो इस शेरवानी की है, जो कि normally पंजाबी families में पहनी जाती है. और ऊपर मेरे पगड़ी है, which is also hot pink, and I think it's giving a very good compliment to my whole attire. और ये नौलखा हार है, सॉरी, ये जो एक नौलखा हार है ये वाला,
It's really pretty. You can see इसमें पूरे pearls के जो मालाएं हैं और साथ में इसमें नीचे शुरुआत हो चुकी है हल्दी लगी है पूरा रीति रिवाज जी हाँ हमारा ये हल्दी सीक्वेंस हो रहा है मेरा मतलब तो बस उसका ही हम प्रिपेयर कर रहे थे वो वाला सीन जिसमें मुझे हल्दी लगती है पहले फिर उसके बाद मुझे मेरी बहन नहला रही है ये घड़ोली होती है जो कि लड़की वालों के घर से आती है और उससे उसको जो ग्रूम होता है उसको नहलाया जाता है तो वही वाली एक सेरेमनी चल रही थी वही तो हमारे शो का क्रक्स है कि हमारा शो इतना ऑथेंटिक है कि जो बैकड्रॉप हमारे शो का है पंजाबी उसको सिर्फ बैकड्रॉप पे नहीं रखा है उसको एक्चुअल में शो में है तो इसलिए वो जितने भी रीति रिवाज होते हैं शादी के जितनी भी रस्में होती हैं वो सारी हम इसमें दिखाएंगे और अपने कल्चर को ग्लोरीफाई करेंगे मुझे एक्चुअली में उसके बारे में कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है आई एम रियली सॉरी मैं उसके बारे में कुछ कमेंट नहीं करना चाहता बिकॉज दैट्स नॉट माय स्टोरी एट ऑल हाँ वो एक बहुत ही क्यूट सा मोमेंट था जो कि परम कहता है आके कि मेरे पापा को गंदा क्यों कर रहे हो तो सब उसको ब्लेम करते हैं कि उसने अपशगुन कर दिया तो बस वो एक अच्छा सीक्वेंस है जब आप देखोगे आपको पता लगेगा इट्स अ वेरी क्यूट मोमेंट जी हाँ बिकॉज उसका उसके भाई की शादी हो रही है जो वो चाहती थी तो इसलिए वो बहुत खुश है वो खुशी के आंसू हैं जो है ना बस सबसे बरसती है मतलब शी इज़ हर वक्त जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती सरबजीत से वो चैन से बैठने वाले नहीं है फिर कुछ भी मेहर करे या कुछ भी अमृता करे या कुछ भी सारे बच्चे करे उसका पारा चढ़ा रहता है जब तक वो सरबजीत से उसका ब्याह नहीं करेगी वो ख़त्म सारे घर वालों की मौत जी हाँ इसीलिए वो ए सरबज को बताना नहीं चाहती और बी वो हर वक्त डरती रहती है और उसको ये डर रहता है कि सरबजीत घर आ जाएगा तो पता नहीं क्या फिर उसको राज खुल जाएगा बस इसी चक्कर में कुलवंत कौर का पारा चढ़ा रहता है जी किचन में जो है मेहर कब अगेन किचन में बस ये वो आपने जैसे देखा होगा कि कैसे इसने मानव को मारा है तो वो सडनली नाइफ देख के उसको वो फ्लैशबैक याद रहता है कि कैसे माँ ने छुरी से बिकॉज उसके उसने अपने आँखों से देखा कि माँ ने उसे मारा था सो आई थिंक वो उससे दहशत में आके वो चीखने लगती है जी सरबजीत का फ़ोन आता है क्योंकि वो मेहर से मिलना चाहता है अब ये जो कुलवंत कौर है ये चाहती है कि घर में सब ठीक होए फिर सरबजीत आए क्योंकि अगर वो मेहर को इस हालत में देखेगा तो वो भी यू नो शॉक हो जाएगा कि वैसे शादी करने वाली है या नहीं वो भी कंफ्यूज्ड है बट माँ नहीं चाहती है माँ चाहती है कि जब सरबजीत आए शी हैज़ टू बी कॉन्फिडेंट कि यस शी विल मैरी सरबजीत कुलवंत कौर सरपंच कैसे नहीं जीत होगी उसकी बस आई थिंक जैसे कि मैंने कहा कि मेहर की लाइफ में इतना बड़ा हादसा हो गया कि वो ऑफकोर्स जिसे कहते हैं ना लाइफ स्टैंड स्टिल पे आ जाती है एक पॉज बटन दब जाता है सब कुछ आसपास थम जाता है तो ऐसा ही हुआ पर अब मेहर को जो रियलाइजेशन है वो इस बात की है कि उसके पास एक बच्चा है जिसको उसे संभालना है मानव और उसके प्यार की आखिरी निशानी है एंड बाकी सब एक तरफ और यू नो मेहर के लिए उसका बच्चा एक तरफ है तो मौका मिलते ही मेहर निकली अपने घर से बाहर भागी है और सीधा पुलिस स्टेशन गई है ताकि वो अपनी मम्मी जी और अपने तीन भाइयों के अगेंस्ट FIR लिखवा सके FIR दर्ज करवा सके वो कार्रवाई नहीं होती है कि जगह भी जो उसे वहाँ देख लेते हैं और उसे पकड़ के घर ले आते हैं पर हाँ अब चुप्पी नहीं हो रहने वाली मेहर के फोटो पे अब सिर्फ गुस्सा निकलेगा एंगर निकलेगा स्ट्रेंथ दिखेगी उसकी और वो किस हद तक जा सकती है अपने बच्चे को बचाने के लिए वो आपको देखेगा एक तरफ माँ भी जो है वो दूसरी माँ के बच्चे की जान के पीछे पड़ गई जी तरह से तो एक माँ की क्या फीलिंग्स है वो जो दूसरी माँ ऐसे कर रही है
आई थिंक माँ शब्द से तो मेरा भरोसा ही उठ चुका है. यू नो यूजुअली जो माएँ होती हैं वो अपने बच्चों की खुशी के लिए अपनी जान तक दे देती हैं, और यहाँ एक मेरी माँ है जिन्होंने मेरी सारी खुशियाँ छीन ली हैं. तो आई थिंक अपनी माँ से तो मेरा भरोसा उठ ही चुका है. हाँ, रही बात, बहुत दुख होता है आई थिंक, क्योंकि अब मैं खुद माँ बनने वाली हूँ और यू नो मुझे खुद इस चीज़ का एहसास है. तो ऑल आई कैन से इज़ कि आई फील वेरी हेल्पलेस कि मेरी माँ ने ऐसा क्यों किया जो भी किया. लास्ट फाइनली सारे एक तरफ है और मेहर एक तरफ जी. क्या मेहर को अपनी ज़िंदगी को लेकर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे? घुटने टेक देगी मेहर? घुटने टेकने वालों में से बिल्कुल नहीं है मेहर, और कॉम्प्रोमाइज़ करने वालों में से भी बिल्कुल नहीं है. वो जो करने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए करने वाली है, और वो उसके लिए लाइफ में रास्ता होगा एक कॉम्प्रोमाइज़. थैंक यू. मेहर को इसीलिए बंद किया बिकॉज उसने रिटेलिएट किया था अपनी माँ से, और बोलने के बावजूद भी जब उसे पता चलता है कि शी इज़ प्रेग्नेंट एंड बिन माई बिन ब्याई माँ बनने वाली है, तो के उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो नेचर है, एक तो वो सरपंच है, बी कंजर्वेटिव फैमिली है, और उसके बावजूद ये लड़की बाहर जाके, बट एनी वे उसने बंद इसलिए किया है ताकि शी कैन के कैन अबोर्ट हर चाइल्ड. तो कहीं ना कहीं मुसीबत भी आई है, सारे लोग फैमिली घर पे आएंगे और वो मेहर से मिलना चाहते हैं, तो अभी कैसे के टैकल करेगी ये सब सिचुएशन? बस वही है, वही सीन कर रहे हैं हम, जहाँ के आके बोलती है कि मेहर घर पे नहीं है, और आपने देखा जैसे कि मेहर बाहर निकली पूरी कॉलेज गई, तो के डजंट नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, बट शी ट्राइज टू एंड शी डज इट बिकॉज है बड़ी चालाक, तो वो चालाकी आपने देखी है अभी, बट समहा वो डॉच करती है और उनको फिर कहती है मैं फ़ोन करूँगी और बताऊँगी, फिर उसके बाद भाग चुकी है क्योंकि उसको ये मौका मिला है कि माँ यहाँ बिजी है तो मैं भागूँ. मेहर पकड़ी जाएगी कि नहीं ये तो मुझे भी नहीं पता. थैंक यू. आई थिंक एंड आई होप कि किसी को भी लाइफ में ऐसा इमोशन कभी एक्सपीरियंस ना करना पड़े. आई थिंक आज आपकी मेरी लाइफ में एनी काइंड ऑफ लॉस, चाहे वो आपके पेट का हो, आपके माँ बाप का हो, किसी भी तरह का लॉस हो, तो झटका ज़रूर लगता है. पर हाँ, जब आप किसी इंसान से इतना प्यार करते हैं जिनके साथ आपने एक लाइफ आगे इमेजिन करी है, एंड और कोई नहीं पर यू नो आपकी खुद की फैमिली में उसका हाथ हो, तो कहते हैं ना कि आपकी फैमिली आपको सबसे ज़्यादा प्यार करती है. तो मेरे लिए इस टाइम पे ये लग रहा है कि मेरी खुशी आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं थी, आपकी ज़िद आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी. सो ऑफ कोर्स झटका लगा है और बहुत तगड़ा लगा. ओके, हिम्मत, यू नो 1.2 टीआरपी आया है, इशू काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो शक्ति के साथ साथ कितनी खुश है? आई थिंक आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, और मैं ये चीज़ बार बार कहती हूँ कि टचवुड हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि सबसे पहले तो मैं राइटर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि अगर कोई चीज़ इतनी खूबसूरती से लिखी हो यू नो तो वो गलत जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, या उस स्क्रिप्ट को उस कहानी को कोई प्यार ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता. सो आई थिंक कूडोज टू फर्स्टली द राइटर्स. सेकेंडली आई फील कि पूरी टीम यू नो मेरे जितने भी को एक्टर्स हैं, आई एम सो ब्लेस्ड कि सब यहाँ पे दिल से काम कर रहे हैं, मतलब कुछ ऊपरी काम नहीं चल रहे, सब लोग अपने अपने कैरेक्टर्स को जी रहे हैं, वो जी रहे हैं इसलिए इतना रियल लग रहा है, और इसीलिए आई फील कि आप लोगों के साथ इतना कनेक्ट हो पा रहा है और इतनी अच्छी टीआरपी टच उड़ा रही है. थैंक यू वेरी मच.